इसरो 2022 तक भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए तैयार है। पहले अभियान में 3 लोगों को करीब 1 हफ्ते के लिए JSLV मार्क 3 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये यान 16 मिनट के अंदर अपना सफर तय करेगा। इसरो प्रमुख के सिवन और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज दिल्ली में इसका खाका जारी किया। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन समेत 19 प्रोजेक्ट मार्च 2019 तक पूरे करने का लक्ष्य रखा है। इसरो का अंतरिक्ष में मानव भेजने का अभियान 2022 तक लॉन्च होगा। इसरो के चेयरमैन ने मंगलवार को दिल्ली में गगनयान अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान 3 अंतरिक्ष यात्री 5 से 7 दिन तक लो अर्थ ऑर्बिट में रुकेंगे। इस दौरान माइक्रोग्रेविटी के बारे में परीक्षण किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ रुपए से कम लागत आएगी। Those aspects will be different. That is the science that we are, because new science, that microgravity experiment that we should do with this particular thing. And that depends on the new scientist can produce new sciences that will do it. लगभग योजना अब मुकम्मल हो चुकी है, पूरी तैयारी हो चुकी है। आखिरी एक महत्वपूर्ण मरहला बचा है कि उन 3 व्यक्तियों का चयन फाइनल करना है जिन्हें जो अंतरिक्ष में जाएंगे। जैसे ही वो संपन्न हो जाता है तो फिर उनके प्रशिक्षण एक्लिमेटाइजेशन ट्रेनिंग का कार्य आरंभ होगा, जिसमें लगभग 3 वर्ष लगते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। और वो संपन्न होते ही हम इस स्थिति में होंगे कि ये लॉन्चिंग संभव हो सके। इसरो के प्रमुख के मुताबिक मार्च 2019 तक पाइपलाइन में 19 प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें सबसे प्रमुख चंद्रयान 2 मिशन है, जिसके अगले साल जनवरी में भेजने की तैयारी है। चंद्रयान 2 यात्रा के दौरान पहली बार चंद्रमा की सतह के दक्षिणी किनारे पर उतरेगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि संस्थान का पूरा जोर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक विकसित करने पर है। अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले 3 से 4 सालों में सरकार ने अंतरिक्ष अभियानों को बढ़ावा दिया है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का फायदा कई क्षेत्रों में मिल रहा है। किसानों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में सॉयल हेल्थ कार्ड, सैटेलाइट इमेजिंग के द्वारा किस प्रकार से खेती को विकसित किया जाए, सॉयल इम्प्रूवमेंट किया जाए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा के ही परिणाम स्वरूप है कि आज स्पेस टेक्नोलॉजी लगभग हर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में और ईज ऑफ लिविंग के कार्य में भागीदार बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में 2022 तक भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान की घोषणा की थी। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी।